हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जंगिट भव्या। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक नए तरीके का फ्रूट जिसका नाम है रामबूटान। ये देखिए कितना सुंदर है देखने में, पिंक पिंक कलर की शेल है इसकी और ऊपर से ये कुछ रेशे जैसे हैं। ये है थाई रामबूटान। मैं 582 ग्राम्स का ये फ्रूट लेके आई हूँ जिसका प्राइस है 2183 यानी 2183 चैट्स। इंडियन रुपीज में इसके कन्वर्ट किया जाए तो ये है 109 रुपीज समथिंग कुछ पड़ेगा रुपीज का। सो देखिए कितना सुंदर फ्रूट है, बहुत ही पिंकिश पिंकिश कलर का है, ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के हेयर्स हैं इसके और इस हेयर्स की वजह से ही इसका नाम रामबूटान पड़ा है। रामबूटान मतलब होता है हेयरी। ये जो फ्रूट है रामबूटान, ये साउथ ईस्ट एशिया का पेड़ है और साउथ ईस्ट एशिया में जो भी जगह आती है वहाँ ये फ्रूट पाया जाता है, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका भी इवन पाया जाता है ये फ्रूट। सो जब ये फ्रूट कच्चा रहता है तो अंदर बाहर से इसकी जो शेल होती है वो ग्रीन कलर की होती है और पकने के बाद ये रेड कलर का हो जाता है और इसके अंदर का जो फ्रूट निकलता है वो होता है बिल्कुल हमारे इंडियन फ्रूट लीची की तरह से। लीची आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसा होता है अंदर से बिल्कुल वाइट। ये देखिए मैंने इसे ओपन किया है और बिल्कुल वैसा ही है, सेम बिल्कुल लीची जैसा, इसके अंदर से बिल्कुल आपको लीची जैसा ही निकलेगा। ये देखिए बस इस फ्रूट में क्या है, इसका जो आउटर शेल है वो डिफरेंट है क्योंकि लीची का जो छिलका ऊपर से होता है वो थोड़ा पतला होता है और पूरा पिंकिश तो कलर तो सेम ही रहता है बट ऊपर उसके हेयर्स नहीं होते। इस फ्रूट में क्या है, ऐसा हेयरी हेयरी जैसा बाहर रहता है और अंदर लेकिन बिल्कुल सेम मटेरियल है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल वही मुंह में पानी आता है बिल्कुल देख के। और ये है इसकी शेल, मैंने इसे और भी छीले हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो फ्रूट है रामबूटान, इससे जैम और जेलीज बनाई जाती हैं। 100 ग्राम रामबूटान में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, वाटर, विटामिन ए, विटामिन बी की वैरायटीज हैं B3, B2, B6, B9, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सोडियम पोटेशियम सब पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा फ्रूट है ये। हमारे टमी का जो भी प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। वेट लॉस करता है ये, सबसे अच्छी क्वालिटी है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और इसमें फाइबर और वाटर बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, कैंसर रिस्क को कम करता है और डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं उनके लिए, डायबिटीज़ के मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद है। हार्ट डिजीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारी किडनी को क्लीन करता है। जो हाई बीपी की जिन लोगों को, पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये खाने पर बीपी को नॉर्मल रखता है। और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो मदर्स, जो मतलब प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए इसका बीज है, थोड़ा डिफरेंट है हमारी लीची के बीज से, वो बिल्कुल चिकना होता है और इसका जो बीज है वो थोड़ा रफ होता है, अंदर से ब्राउन कलर का होता है, वो मरूनिश कलर का होता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।